So today I'm going to revise revision of history and civics MCQs, different forms of MCQs mix bolungi main and aapse bhi puchungi answers, theek hai? Now listen carefully. First of all, I'm going to take topic Frederick Soryo's print. Frederick Soryo ke jo print hai, wo kya depict kar rahe hai? Democracy ke nationalism, democracy. People of all ages going towards Statue of Liberty. हम यहाँ पे Statue of Liberty in the form of female figure. Leading the procession were the countries very good, USA and Switzerland. And from the heaven gazed upon the scene, saints, Christ, angels. Good. अब question है liberalism. Liberalism नेशनल लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर, तो आपने बताना इक्वालिटी, इक्वल राइट्स टू ऑल. अब अगर मैं पूछूं मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल फील्ड, राइट टू वोट. मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक फील्ड, फ्रीडम ऑफ मार्केट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड. मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन सोशल फील्ड, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कुछ भी. अब अगर मैं पूछूं, अगर बच्चे को फीचर्स आते हैं ना फेडरलिज्म के, मैंने बोला ही था मिक्स्ड रिवीजन हिस्ट्री एंड सिविक्स, तो मिक्स्ड है. पेपर भी तो मिक्स्ड होता है, रिवीजन भी मिक्स्ड है. तो फेडरलिज्म से के अगर फीचर्स ही नहीं आते तो यू कांट डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग इंडिया इज अ फेडरल कंट्री एंड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैन नॉट बी मेड बाय सिंगल लेवल. टेल मी अबाउट अजर्शन एंड रीजन विच इज द करेक्ट आंसर. Very good. Which is the correct answer? A part. Because India is a federal country, and it's a feature of federalism that in India constitutional changes cannot be made by single level. अब मैं पूछूं constitutional changes made by president, prime minister के both the levels of the government. Very good. अगर मैं पूछूं representative of अगर मैं आपसे इनमें से विलेज पंचायत की रिप्रेजेंटेटिव पूछती हूँ, नाउ लिसन केयरफुली. आउट ऑफ दीज कौन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विलेज पंचायत? लिसन केयरफुली. ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर पंचायत, म्यूनिसपैलिटी. विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विलेज पंचायत? पंचायत बोला मैंने. वेरी गुड. ब्लॉक समिति, क्योंकि कितने विलेजेस इकट्ठे होके क्या बनते हैं? ब्लॉक्स. तो रिप्रेजेंटेटिव वो विलेज पंचायत कौन होगी? ब्लॉक समिति. हेड ओ विलेज पंचायत? सरपंच. अगर मैं पूछूं कि डैश वर्क्स एट मिडिल लेवल इन अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, बिना ऑप्शन दिए आंसर बताओ. म्यूनिसपैलिटी. अगर आपको मैं पूछूं वार्ड मेंबर्स, तो आपको मैं ऑप्शंस दे रही हूँ, नो लिसन केयरफुली. वार्ड मेंबर्स के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, ग्राम सभा एंड जिला परिषद. वेरी गुड, जिला परिषद. अगर मैं पूछूं आपसे ग्राम सभा, और साथ में मैं आपसे बोलूं कि मैच करना आपने 5 years all adults, क्योंकि ग्राम सभा का तो कोई टेन्योर ही नहीं है, पता है ना. पीपल ऑफ द विलेज हु आर एट द एज ऑफ 18 और अबव आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा. इट मीन्स इसको किससे आपने मैच करना है? ऑल एडल्ट. अगर मैं पूछू सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट किसको कहा गया? मेजनी के मेटरनिच वाज अगेंस्ट द सोशल ऑर्डर इन यूरोप. मेजनी के मेटरनिच, मेजनी किसने कहा था? मेजनी को मेटरनिच ने. अगर मैं पूछूं कि किसने कहा कि नेशन स्टेट गॉड की देन है? मेजनी और मेटरनिच, मेजनी. मेजनी की टू सीक्रेट सोसाइटीज दैट वाज, उनमें से आपने, यू हैव टू टेल द सीक्रेट सोसाइटी दैट ही एस्टैब्लिश्ड इन 1833. 1833 की सीक्रेट सोसाइटी एंड
He was member of which Carbonari secret society? अगर मैं पूछूं French painter out of these, listen carefully, Frederic Soryo, Dilek Roy, Carl Caspar Fitz. Wrong. Dilek Roy. अगर मैं पूछूं Carl Caspar Fitz, German painter. Carl Caspar Fitz, German painter. अगर मैं पूछूं Frederic Soryo तो painter नहीं है, artist, French artist. John Gottfried, German philosopher, known for the policy of blood and iron. He believed in the policy of blood and iron. Name the person. Very good. Ottoman. He was known for his aggressive nature. Again, Ottoman Bismarck. Agar main puchu, three wars in 7 years. और कौन सी कंट्री ने ये वार लड़ी? प्रशिया. एंड यूनिफिकेशन किसकी हो गई? वेरी गुड, जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई. बट वार्स किस कंट्री के अंडर हुई? प्रशिया. हाउ मेनी वार्स? थ्री वार्स विद इन. हु वाज कमांडर ऑफ जर्मन आर्मी? वॉन रून. वेरी गुड. कमांडर ऑफ जर्मन आर्मी, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया. यहाँ पे मैंने जर्मन आर्मी बोला, वैसे प्रशियन आर्मी. कमांडर ऑफ प्रशियन आर्मी वॉन रून. मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, लिसन केयरफुली, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ. मेजनी, रेबमैन के और वॉन रून. रेबमैन वाज द कमांड, सॉरी, मेंबर ऑफ जैकोबिन. ही वाज मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब. अगर मैं पूछूं कि प्राइम चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट, काउंट कैवूर. हु वाज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट फेज ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? लिसन केयरफुली द नेम्स. पता है ऐसे ही विदाउट ऑप्शन गिव आंसर. वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट. जिन्होंने आंसर दिया विलेलम. अगर आपको ऑप्शन में विलियम वन, विलेलम फोर आए तो विलियम वन तो नहीं सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि विलियम वन तो उसका उसको क्रेडिट जाता है फॉर द यूनिफिकेशन. अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो वो फेल हुआ था, पता है ना, फर्स्ट फेज ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी फेल. तो कौन था इससे एसोसिएटेड? विलेलम फोर. विलेलम फोर ही वाज रूलर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट और प्रशिया. ही वाज रूलर ऑफ प्रशिया. अब जर्मेनिया ने जो क्राउन पहना हुआ है उसमें लीव्स कौन से हैं? इन जर्मनी ओक सैंड फोर्ट. हीरोइज्म. अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमिस्ट, अर्नेस्ट रैनन वाज नॉन इकोनॉमिस्ट. अर्नेस्ट रैनन हैज गिवन फ्राइडरिच लिस्ट. इकोनॉमिस्ट जॉलब्रिन, जब आप पढ़ते हो तो इकोनॉमिस्ट फ्राइडरिच. अर्नेस्ट रैनन ने किसका आइडिया दिया था? नेशन स्टेट. वट इज? अगर पूछा जाए आपसे दास वोल्क, कॉमन पीपल, तो किसने कहा दास वोल्क वर्ड किसने यूज किया? जॉन गॉट राइट. कैरल कुरपिंस्की कौन था? पोलिश राइटर. अगर मैं पूछूं विद दिस ट्रीटी ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, कॉन्स्टेंटिनोपल. अगर मैं पूछूं विद दैट Treaty of with Dash Treaty, Greece became an independent nation. Constantine. After defeating Napoleon, European countries met at Dash. Vienna is the capital of. Vienna is the capital of Austria. Vienna is the capital of. Conservative. इनमें से कौन है? Mazarin और Duke Metternich. रेवोल्यूशनरी कौन है दोनों में से? मेजनी वाज रेवोल्यूशनरी. कहाँ का रेवोल्यूशनरी है मेजनी? ही वाज इटालियन रेवोल्यूशनरी. चलो अब आप थोड़े से सिविक्स के भी बताओ. फर्स्ट इज पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल. कैसे डिवीजन है ये? वेरी गुड, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज. कोलिजन. पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज.
पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट लेवल्स, अगेन वर्टिकल, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट लेवल्स अगेन। अब मैं पूछूं, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री एंड इन इंडिया जुडिशियरी इज टोटली इंडिपेंडेंट, असर्शन रीजन बताओ। वेरी गुड, ए ऑप्शन। अब मैं पूछूं आपसे, जैसे अब मैं बोल रही हूँ, लिसन केयरफुली, इन बेल्जियम पावर्स आर नॉट शेयर्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वेयर एज इन श्रीलंका अब मेजोरिटेरियनिज्म वाज फॉलोड, असर्शन रीजन में बताओ। डी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, क्योंकि फर्स्ट तो मैंने रॉन्ग ही बोला, बेल्जियम वाले तो पावर शेयर करते हैं, तो अब आप बताना ऐसे, जैसे कि एक हिंट देती हूँ, आइडेंटिफाई द कंट्री, ठीक है, आपने कंट्री आइडेंटिफाई करनी है, मैं आपको हिंट दूंगी, बाय पासिंग ओनली एक्ट दिस कंट्री वॉज यूनिफाइड, बाय पासिंग ओनली एक्ट दिस कंट्री वॉज यूनिफाइड। अब फिर मैं हिंट दूंगी, यू हैव टू आइडेंटिफाई, This country was unified in 18 January 1871. This country unified in 1861. Italy. अब आपने फिर country identify करनी है, मैं options दूंगी। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वॉज सेटअप बेल्जियम, हु सेटअप द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम, बेल्जियम लीडर्स और पीपल ऑफ वन लैंग्वेज ग्रुप, वेरी गुड, पीपल ऑफ वन लैंग्वेज फॉर्म्ड विच गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, गिव एग्जाम्पल, टू कंट्रीज आपने बतानी है हैविंग जहां पे पावर्स आर शेयर्ड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, गिव एग्जांपल ऑफ टू कंट्रीज, इंडिया एंड बेल्जियम, इंडिया क्यों एग्जांपल है उसकी, वेरी गुड, पावर्स आर शेयर्ड बाय एससी एंड, अगर मैं पूछूं बेल्जियम इज आल्सो एग्जांपल तो वो क्यों है एग्जांपल, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज सेट अप एंड दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट, बेल्जियम अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन की बेल्जियम में, हाउ मेनी टाइम्स, यस 1793, सिंगल सेट्स ऑफ लॉ फॉर द होल कंट्री, Unity or federal? When some of the powers of center and state are given to local government, that is called distribution of powers, reorganization and centralization, decentralization. That is known as decentralization. And अब William I, ये बताओ, William I. Who was famous for red shirt soldiers? There is separation of power. Horizontal division of power. Next, powers are shared by different organs. Again, horizontal. Again, horizontal. Powers are not equally distributed among the states coming together ke holding together? Holding together. Coming wrong hai. Coming mein hum kehte hai equal powers are given to all states. Whereas in holding together, powers to the states are not equally distributed. You have to learn the features of federalism. Police come under which subject? Very good. Which subject? Communication. Bank union list. Banking. Defense union list. Police. Marriage and adoption. How many subjects are there in concurrent? Residue powers are only enjoyed by?
कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन इंडिया मेड बाय प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर बोथ द लेवल्स. डैश कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर कंट्री. लिसन केयरफुली. वेरी गुड. विदाउट ऑप्शन शी हैज गिवन आंसर. जुडिशरी. इन अवर कंट्री जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द. आप क्या बोल रहे हो बोलो. यस इट्स ऑल्सो राइट. इन अवर कंट्री जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. कहीं प्रेजिडेंट तो नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट. नो. ओनली जुडिशरी कैन इंटरप्रेट. एरिया ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन मीन्स एरिया ऑफ एरिया अंडर कंट्रोल. एरिया अंडर एरिया ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन मीन्स एरिया अंडर प्लेबिस्काइट मीन्स डायरेक्ट वोट बाय विच होल इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द. इट वॉज आर्टिस्टिक मूवमेंट ऑफ दैट टाइम. रोमांटिसिज्म. आर्टिस्टिक मूवमेंट. ग्रिम ब्रदर्स बिलोंग टू विच कंट्री. हु पब्लिश 33 वॉल्यूम डिक्शनरी. Who published fairy tales, folk tales in 1812? Grimm brothers. इन्होंने किया. Priest, Polish priest, preferred to go to Siberian jails. Poland was under the domination of Russia. Poland was under Slavic nationalism linked to which country? Balkan region. Which region? By 1801, by the Act of Union 1801, Dash country was Ireland was forcibly incorporated into UK. National anthem of UK. National flag and common language. Who said when France sneezes? Duke. Name of journalist who saw the events of Wilhelm. Napoleon invaded Italy in 1790. अब बताओ कार्ल कैस्पर फिट्स था कौन. जर्मन और फ्रेंच. श्योर है. चलो अब टर्न आएगी कुछ स्टूडेंट्स की जो इधर आके मुझे आंसर्स देंगे. आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस टू फ्यू स्टूडेंट्स.